राजेश खन्ना, जिन्होंने एक वक्त हिमालय जैसी ऊंचाइयां देखी। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू। तो एक वक्त किसी समंदर जैसी गहराइयां। राजेश खन्ना के आखिरी वक्त में क्यों उनके पास कोई नहीं था? राजेश खन्ना क्यों अपनों की वजह से बेहद टूट गए थे? आखिर क्यों राजेश खन्ना को अपने ही घर से निकाल दिया गया था और वो कई सालों तक बाहर रहने के लिए मजबूर हो गए थे? सुधाकर सेठ जी, तुमने हमको इतना इज्जत और मोहब्बत देने वाले मालिक का खिदमत करने का मौका दिया। क्यों राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन को फूटी आंख भी नहीं पसंद करते थे? मैं उसकी नजरों में नमक हराम नहीं हूँ विकी। बस बस, ये लेक्चर वहाँ बस्ती में जाके देना, बहुत तालियां पड़ेंगी। ए, कैसा है तू? फिल्म आनंद से राजेश ने अमिताभ बच्चन को हटाने के लिए क्यों कह दिया था? किसने लगाया था राजेश खन्ना पर यौन शोषण का आरोप और राजेश खन्ना का तलाक क्यों करवाना चाहती थी अंबानी की बहू? तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, सिल्वर स्क्रीन के काका के सुपरस्टार से लेकर बर्बाद होने तक की कहानी। जी, मैं मरना नहीं चाहता। मदहोश किए तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बातें और मैं हूं आपका दोस्त देवनाथ पांडे। राजेश खन्ना का एक दौर ऐसा था कि उनका स्टारडम सूरज से भी ऊपर था। नदिया से दरिया, दरिया से सागर। और फिर वो समय भी आया जब राजेश खन्ना का वही स्टारडम औंधे मुंह गिर गया। राजेश खन्ना की घमंड की वजह से दौलत, शोहरत, इज्जत, परिवार सब कुछ छोड़कर जाते रहे। माँ, बहन, घर बार छोड़कर मैं इतनी दूर छोपट पट्टी में क्यों पड़ा हूँ? तू मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा है रे। उस दिन मैंने तेरे आंखों में आंसू देखे थे और जो कमबख्त तेरी आंखों में आंसू लाएगा मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगा। ये हाथ सख्त नहीं रे, और मजबूत हो गए हैं। अगर इन्हें कोई अलग भी करना चाहे तो नहीं कर सकता। और उनके पास सब कुछ अपनी आंखों के सामने से जाते हुए देखने के सिवा कुछ भी नहीं था। बारिश की बूंदों से डरने वाले तूफान का मुकाबला नहीं कर सकते विपिन बाबू। सही मायने में देखा जाए तो राजेश खन्ना को उनके घमंड ने ही बर्बाद कर दिया। एक जमाने में राजेश खन्ना के फैंस उनके लिए पागल हुआ करते थे, लेकिन उनके आखिरी दौर में उनके पास काम नहीं था और ना ही उनके पास पैसे। आखिरी वक्त में उनका परिवार भी उनसे दूर जा चुका था। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि राजेश खन्ना तभी काम करते थे जब उन्हें लगता था कि ये उनके रुतबे के बराबर का काम है, और इसी वजह से उनसे फिल्म मेकर्स लगातार दूर होते चले गए। कहा जाता है कि राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन से बहुत चिढ़ते थे। इसकी कहानी भी बहुत अजीब है, बहुत कम ही लोग जानते हैं। उस वक्त अमिताभ अमिताभ नहीं थे और राजेश खन्ना एक सुपरस्टार काका हुआ करते थे। बात है साल 1969 की। अमिताभ बच्चन उस वक्त बॉलीवुड में एंट्री किए थे, लेकिन सफलता के लिए उन्हें 4 सालों का इंतजार करना पड़ा था। जंजीर से उन्हें वो कामयाबी मिली जिसके लिए वो लगातार स्ट्रगल कर रहे थे। देखो, तुम्हारे साथ अगर कोई आदमी बदतमीजी करता है तो हाथ पांव चलाने की कोई जरूरत नहीं, पुलिस थाना किस लिए, हम किस लिए। और अमिताभ से मात्र 3 साल पहले 1966 में आए राजेश खन्ना 1969 से लेकर 1972 तक लगातार 15 हिट फिल्म दे चुके थे। राजेश खन्ना की उस वक्त इंडस्ट्री में तूती बोला करती थी। इधर अमिताभ बच्चन एक हिट फिल्म के लिए तरस रहे थे और तभी दोनों पहली बार एक साथ आए फिल्म आनंद में भास्कर बैनर्जी के आंसुओं के साथ। लाखों दर्शक उस वक्त रो रहे थे क्योंकि आनंद अब जा चुका था। उस वक्त पर्दे पर ये जोड़ी सबसे अलग थी। राजेश खन्ना के एक एक डायलॉग को इतना प्यार मिला जिसके लिए हर कलाकार तरसता है। अमिताभ बच्चन तो इस फिल्म में बस काम कर रहे थे, लेकिन अगर किसी को नोटिस किया गया तो वो थे राजेश खन्ना। माँ, बहन, घर बार छोड़कर मैं इतनी दूर छोपट पट्टी में क्यों पड़ा हूँ? तू मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा है रे। उस दिन मैंने तेरे आंखों में आंसू देखे थे
और जो कमबख्त तेरी आंखों में आंसू लाएगा मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगा। ये हाथ सख्त नहीं रे और मजबूत हो गए हैं, अगर इन्हें कोई अलग भी करना चाहे तो नहीं कर सकता। पर्दे पर दोनों की दोस्ती को तो दुनिया ने देखा, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ ऐसा चल रहा था जो किसी को नहीं पता था। बात है साल 1971 की। पत्रकार अली पीटर जॉन के मुताबिक तब ऋषिकेश मुखर्जी अमिताभ और राजेश खन्ना के साथ एक फिल्म लाना चाहते थे। फिल्म का नाम था आनंद। कहा जाता है उस वक्त राजेश खन्ना ने ऋषिकेश मुखर्जी से कहा कि इस फिल्म से अमिताभ को हटा दीजिए। एक सुपरस्टार के एक नए हीरो को इस तरह से फिल्म से हटाने के लिए कहना बहुत चौंकाने वाला था। राजेश खन्ना को लेकर ये कहा जाता था कि उनके मन में असुरक्षा की भावना बहुत जल्दी आती थी। अमिताभ को हटाने की बात भी इसी का एक हिस्सा था। खैर बाद में राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन एक बार फिर से साथ आए। फिल्म का नाम था नमक हराम और इस बार शमा बदल चुका था। अमिताभ को लोग पहचानने लगे थे। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन राजेश खन्ना को बराबर का टक्कर दे रहे थे। मैं उसकी नजरों में नमक हराम नहीं हूं विकी। बस ये लेक्चर वहां बस्ती में जाके देना, बहुत तालियां पड़ेंगी। ए कैसा है तू? ये उस वक्त की बात है जब अमिताभ ऊपर चढ़ रहे थे और राजेश खन्ना का ग्राफ नीचे जा रहा था। कहा तो ये भी जाता है कि बावर्ची फिल्म के शूटिंग के दौरान अमिताभ अपनी पत्नी जया बहादुरी को लेने जाते थे तो राजेश खन्ना उनकी तरफ देखते भी नहीं थे। राजेश खन्ना ने अमिताभ से पूरी तरह से किनारा काट लिया था। राजेश सिर्फ जया से हाय हेलो किया करते थे। एक दिन जया बच्चन ने देखा कि राजेश खन्ना अमिताभ को इग्नोर कर रहे थे और उस दिन जया बच्चन ने राजेश खन्ना से कहा कि देखना एक दिन अमिताभ तुमसे बड़ा एक्टर बनेगा। और जया ने बड़बड़ाते हुए कहा कि ये आदमी अपने आप को समझता क्या है, हे भगवान अगर एक आदमी दूसरे को थोड़ा सा इज्जत दे देगा तो उसका क्या चला जाएगा। खैर बात आई गई हो, राजेश खन्ना ने अब तक एक दर्जन से ज्यादा हिट फिल्में दे दी थी। लोग उन्हें एक झलक देखने के लिए पागल हुआ करते थे। लेकिन आगे शमा बदलने वाला था। अमिताभ बच्चन राजेश खन्ना को पीछे छोड़ने वाले थे। पत्रकार प्रदीप सरदाना कहते हैं राजेश खन्ना को अमिताभ की सफलता देखकर बहुत पीड़ा होती थी। राजेश खन्ना अक्सर कहा करते थे देखो पहले मैं कहाँ था और अब कहाँ हूँ। उसके बाद अमिताभ ने करीब 15 हिट फिल्में देकर राजेश खन्ना को और भी चौंका दिया। उस वक्त राजेश खन्ना की फिल्में पर्दे पर लगातार पिट रही थी। ऐसा नहीं था कि राजेश खन्ना को अच्छे ऑफर नहीं मिलते थे, उन्हें अच्छे ऑफर मिलते थे लेकिन अपने घमंड की वजह से वो फिल्मों को मना कर दिया करते, कहते ये मेरे स्टेटस का नहीं है। आपको शायद ये जानकर हैरानी हो कि फिल्म मिस्टर इंडिया के लिए पहले राजेश खन्ना से संपर्क किया गया था लेकिन राजेश खन्ना ने ये फिल्म करने से मना कर दिया तो बाद में ये फिल्म अनिल कपूर के खाते में चली गई और ये फिल्म जब रिलीज हुई तो सुपर हिट हुई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमिताभ के नाम भर से राजेश खन्ना चिढ़ने लगे थे। उनका नाम सुनकर वो झल्ला जाया करते थे। कहा जाता है एक बार राजेश खन्ना ने अपने दोस्तों से यहाँ तक कह दिया था ऐसे बच्चन बच्चन तो आते रहेंगे मुझे कोई छू भी नहीं सकता। एक बार एक पार्टी के दौरान राजेश खन्ना से ज्यादा फैन अमिताभ बच्चन से ऑटोग्राफ मांग रहे थे तो राजेश खन्ना को इतना गुस्सा आया कि वो पार्टी छोड़कर चले गए। घर जाकर खूब शराब पी, भगवान से कहा मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अमिताभ बच्चन को एक एंग्री यंग मैन के रूप में पब्लिक पसंद कर रही थी और राजेश खन्ना के फिल्मों में एक ही जैसे एक्टिंग को देखकर लोग उनसे दूरी बना रहे थे। अमिताभ राजेश को अब रिप्लेस कर चुके थे और उन्हें रिप्लेस करके एक नए स्टार बन चुके थे। फिर राजेश खन्ना ने परेशान होकर राजनीति का रुख किया। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि राजेश खन्ना राजनीति में इसीलिए आए थे कि अमिताभ बच्चन को चला सके। बात है साल 1991 की। नई दिल्ली सीट से लालकृष्ण आडवाणी के सामने कांग्रेस के टिकट पर राजेश खन्ना का नाम सामने लाया गया लेकिन राजेश खन्ना यहाँ भी हार गए और बाद में जब आडवाणी गुजरात चले गए तो उसी सीट पर उपचुनाव हुआ तो राजेश खन्ना ने बीजेपी के शत्रुघ्न सिन्हा को हरा कर संसद पहुंचे और फिर अगले चुनाव में राजेश खन्ना हार गए तो राजनीति से भी मोह भंग हो गया। अब राजेश खन्ना एक बार फिर से फिल्मों में कोशिश करने लगे लेकिन वो लगातार फ्लॉप होते जा रहे थे और फिर कभी उठ नहीं पाए। राजेश खन्ना ने जब दुनिया को अलविदा कहा तो उन्हें देखने के लिए बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन पहुंचे। ये महज इत्तेफाक ही था कि फिल्म आनंद में जब राजेश चले जाते हैं तो अमिताभ उनसे मिलने पहुंचते हैं। अब आते हैं राजेश खन्ना के ऊपर लगे आरोपों के बारे में। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना का दामन भी आरोपों से बदनाम हुआ था। राजेश खन्ना के बारे में अब हम आपको वो बताने वाले हैं जो थोड़ा सा चौंकाने वाला है और इसका खुलासा खुद राजेश खन्ना के साथ लिव इन में रह चुके एक्ट्रेस ने बताया था। सुपरस्टार राजेश खन्ना पर उनकी लिव इन पार्टनर अनीता आडवाणी ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि वो उस वक्त नाबालिग थी।
बिग बॉस 7 की कंटेस्टेंट रह चुकी अनीता अडवाणी ने आरोप लगाया था कि जब वो मात्र 13 साल की थी तो पहली मुलाकात में ही राजेश खन्ना ने उन्हें बाहों में भरकर किस कर लिया था। उन्होंने दावा किया था कि वो 33 सालों तक राजेश खन्ना के साथ रहीं। उन्होंने कहा कि उस वक्त वो बेहद कम उम्र की थी, उनके बीच जो कुछ हुआ उसके लिए वो मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से तैयार नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा था कि साल 2001 में हुई एक पार्टी में सबके सामने राजेश खन्ना ने उन्हें चूम लिया था, जिसके बाद उन्होंने राजेश खन्ना के लिए करवा चौथ का व्रत भी रखना शुरू कर दिया था। अडवाणी ने उनके परिवार के सदस्यों को गुजारा भत्ता देने के लिए नोटिस भेजा था। उनकी याचिका पर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने राजेश खन्ना के बच्चों को भी नोटिस भेजा था। अनीता अडवाणी का कहना है कि उन्होंने 2003 से अपने पति की तरह स्वर्गीय अभिनेता की देखभाल की थी, लेकिन उनके परिवार ने उन्हें बंगले से जबरदस्ती बाहर निकाल दिया। राजेश खन्ना अपने फिल्मों के साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब चर्चा में रहे। डिंपल कपाड़िया ने अपने करियर की शुरुआत में राजेश खन्ना से शादी कर ली थी। साल 1972 में अपने से करीब 16 साल बड़े राजेश खन्ना की पत्नी बन गई थी और बहुत जल्दी ही उन दोनों को ये महसूस होने लगा था कि उन दोनों ने अपने जीवन का सबसे बड़ा गलत फैसला किया है, और फिर धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी, वो अलग रहने लगे। पूरी तरह से वो 1982 में अलग हो पाए थे। इस दौरान डिंपल और राजेश खन्ना जब एक दूसरे से अलग रह रहे थे तो राजेश खन्ना की लाइफ में टीना मुनीम की एंट्री हुई। टीना ने देवानंद की फिल्म देश परदेश से बॉलीवुड में एंट्री मारी थी। बचपन से मॉडलिंग का शौक रखने वाली टीना मुनीम को एक खुले मिजाज की महिला कहा जाता था। टीना मुनीम ने 1975 में इंटरनेशनल टीन प्रिंसेस कंटेस्टेंट स्पेन में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, और अंत में टीना ने मिस फोटोजेनिक पिकनी का अवार्ड भी हासिल किया था। उस वक्त वो देवानंद की नजरों में आई और इसके बाद देवानंद ने उन्हें अपनी फिल्म के लिए साइन किया था। टीना मुनीम फिल्म इंडस्ट्री में नहीं बल्कि फैशन इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहती थी। डिजाइनिंग की पढ़ाई पेरिस से करना चाहती थी, लेकिन देवानंद के ऑफर की वजह से उनके करियर का रास्ता बदल गया और टीना की मुलाकात फिर हुई राजेश खन्ना से। टीना को देखते ही राजेश खन्ना उनकी खूबसूरती पर अपना दिल हार बैठे, और टीना का भी कुछ ऐसा हाल था। मैं चाहता हूं। क्या चाहते हो? कि तुम मेरे पास रहो और मैं तुम्हें हमेशा देखता रहूं। 90 के दशक में उनकी लव स्टोरी मीडिया की सुर्खियां हुआ करती थी, और फिर टीना राजेश पर शादी का प्रेशर भी बनाने लगी थी। राजेश खन्ना ने उनसे कहा था कि वो अपनी पत्नी डिंपल को तलाक देकर उनसे शादी करेंगे, लेकिन राजेश खन्ना ने ऐसा नहीं किया। खबरों के मुताबिक आखिरी वक्त में राजेश खन्ना का बंगला आयकर विभाग ने सील कर दिया था। इनकम टैक्स विभाग ने राजेश खन्ना पर करीब 1.5 करोड़ रुपए की देनदारी दिखाई थी, जिसे नहीं चुकाने पर काका का बंगला भी सील कर दिया गया था, और बाद में राजेश खन्ना को शराब की लत लग गई। अशोक त्यागी ने एक किस्सा शेयर करते हुए लिखा था कि राजेश खन्ना का बंगला जब सील हुआ था तो काका को अपने बंगले के बाहर बैठना पड़ा था, और उस दिन उनका जन्मदिन था, और उस वक्त राजेश खन्ना ने कहा था कि एक वक्त पर मेरे जन्मदिन पर हजारों बुके और लेटर आया करते थे, और आज मेरा जन्मदिन है तो मेरे लिए कोई एक फूल भी नहीं बेचता। तो दोस्तों, ये थी सुपरस्टार राजेश खन्ना उर्फ काका के जिंदगी की पूरी कहानी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।